तो शिकारी ने देखा कि भैया गुफा के अंदर गुरुजी बैठे हैं, महाराज जी कोई संत बैठे हैं। था तो वो शिकारी, जानवरों को खा जाता था, लेकिन उसकी माँ ने उसको बचपन में कभी बताया कि भैया कभी संत महापुरुष मिले, तिलकधारी कोई मिले, जटाधारी कोई मिले, कोई धोती बगलबंदी में मिले तो उसको प्रणाम करना और कुछ दक्षिणा जरूर देना। तो वो शिकारी उन गुरुजी के पास चला गया और गुरुजी से जाकर के बोला, बोले आप यहाँ क्या कर रहे हो, इस गुफा में बैठे हो, कब से भूखे प्यासे होंगे आप, मैं आपके लिए कुछ भोजन ले आता हूं। बोले हाँ कुछ बढ़िया सा कुछ सामग्री ले आओ। इतने में शिकारी ने क्या किया, एक बारहसिंगा हिरण पकड़ के ले आया और पकड़ करके लाया और गुरुजी के सामने खड़ा कर दिया। बोले गुरुजी लो इसको मार दो, आप पकाओ, भोग लगाओ, पर हमको भी बांट देना। गुरुजी बोले अरे भले आदमी, हिरण पकड़ के लाया। लेकिन गुरुजी ने सोचा शिकारी है, शिकारी क्या समझे कि भाई भक्ष भक्ष नहीं खाना चाहिए। तो गुरुजी ने ऐसा विनोद में कह दिया, अरे हम ये साधारण हिरण नहीं खाते, हम तो ऊंचे और महंगा वाला और श्रेष्ठ गुण वाले हिरण का भोग लगाते हैं। बोले महाराज ये बारहसिंगा है, इससे भी श्रेष्ठ कोई हिरण होता है? बोले हाँ। बोले जरा बताइए तो, आप जो हिरण बोलेंगे मैं वही पकड़ के लाऊंगा। अब तो बोले अरे उस हिरण को पकड़ने के लिए तो पूरा संसार भाग रहा, कोई नहीं पकड़ पाया। बोले नहीं नहीं मुझसे बड़ा शिकारी नहीं है जंगल में कोई, आप आज्ञा करिए, वो जैसा होगा जहां होगा पकड़ के लाऊंगा मैं उसको, आप बताइए तो सही उस गुण के सींग कैसे, उसके पैर कैसे, उसका मुख कैसा, जरा बताइए उसके बारे में, उसका रंग कैसा। संत विनोद में ही बोलने लगे, बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विप्रदवास कनक कपिसम वैजयंतीम चमाला रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। मोर मुकुट पहनता है, शिकारी बोला हिरण मोर मुकुट पहनता है? बोला हाँ। और कर्णयो कर्ण कारम, उसके कान दो हैं लेकिन कुंडल एक ही पहनता है, और कभी वो इस कान में पहन लेता है, कभी निकाल के इस कान में पहनता है। हमारे नाना जी इतना सुंदर वर्णन करते थे, बोले ठाकुर जी कुंडल कैसे पहनते हैं, तो जैसे ये पुष्प है ना, जैसे आप कभी ग्वारियाओं को देखोगे तो वो क्या करते हैं, इधर लगा लेते हैं ऐसे, इसको कर्ण फूल कहते हैं, यहाँ यहाँ ऐसे धारण कर लेंगे अगर लंबा हो पीछे से, तो ठाकुर जी क्या करते हैं यहाँ पे पुष्प लगा लिया। अब लगाते लगाते चलेंगे, इतने में दूसरी तरफ चल रहा मधुमंगल, बोले लाला महाकुंडल बढ़िया ना लग लो, या बारे में लगा। सोई ठाकुर जी इधर से पुष्प को उछालते हैं, उछाल करके इधर धारण कर लेते हैं, फिर यहाँ से श्रीधामा कहो ना लाला माँ बढ़िया ना लग रहा यहीं पहन, तो फिर उछालते हैं फिर यहाँ पहन लेते हैं। और ठाकुर जी ऐसे हाथ से निकाल के नहीं पहनते, ऐसे उछालते हैं कि वो कान के ऊपर ही आके लगता है। तो कर्ण यो हो कर्ण कारम, बोले कुंडल पहनता कानों में? शिकारी बोला कुंडल पहनने वाला हिरण है? बोले हाँ। मोर मुकुट पहनता है, कानों में कुंडल पहनता है, और विव्रत वास कनक कपिसम पीली पीतांबरी पहनता है। शिकारी बोला भगवान मैं तो इतना बड़ा हो गया, मैंने ऐसा हिरण तो कहीं नहीं देखा। बोले और क्या करता है? बोले वही जयंती चमालाम वैजंती माला पहनता है, और सबसे श्रेष्ठ उसका गुण क्या है? बोले रंध्रान वेणु अधर सुधया, बोले अपनी कोमल कर उंगलियों से आच्छादित करता हुआ छिद्रों को वेणु बजाता है। आहा शिकारी तो भाव विहोर हो गया, बोले भगवान ये हिरण वेणु भी बजाता है? बोले हाँ। रंध्रान वेणु वधर सुदया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपदर्मणम प्राविशद गीत कीर्ति। एक मतवाली सी चाल चलता है, टेढ़ी चाल चलता है, एक पैर के आगे दूसरा पैर नहीं रखता, तिरछा चलता है, ऐसी बांकी अदा में रहता है। हम तो इस हिरण के उपासी हैं, ये मिलेगा तो इसका भोग लगाएंगे। शिकारी ने कहा गुरुजी मैं आपको वचन देके जाता हूं, जब तक ये हिरण मुझको नहीं मिल जाएगा मैं भी भूखा रहूंगा, अब तो इसी हिरण को पकड़ के लाऊंगा, पहले आप भोग लगाना फिर उसी का प्रसाद मुझको दे देना। अब गुरुजी तो अपने ध्यान में चले गए, बोले ठीक है जाओ जाओ तो अपना शिकार विकार करो। लेकिन वो शिकारी तो बड़ा सीरियस हो गया, वो तो निकल गया महाराज, एक एक गुण लिख लिया था उसने, अब वो ढूंढ रहा है। अब देखो गुरु की आज्ञा मान करके और वो सब गुण दे करके शिकारी भले ही शिकार की भावना से जा रहा है, लेकिन चिंतन तो ठाकुर जी का कर रहा है ना। सामने हिरण आ जाते हैं तो सोचता नहीं नहीं ये नहीं है, मोर मुकुट वाला होगा, ऐसा होगा। एक दिन बीत गए, दो दिन बीत गए, तीन दिन बीत गए, चार दिन बीत गए,
भूख के कारण प्राण निकलने लगे उस शिकारी के, लेकिन सोचने लगा मेरे गुरुजी भी तो भूखे बैठे हैं, जब वो भूख सहन कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूं, अब तो इसी हिरण को पकड़ के ले जाऊंगा। इतनी व्याकुलता उसके तन में आ गई, शिथिल हो गया, गिरने लगा, ऐसी स्थिति आ गई। लेकिन सामान्य हिरण का शिकार नहीं कर रहा था, ठाकुर जी को उसका यह भाव प्रिय लग गया। और इतने में ही सघन कुंज में से पीताम्बरी पहने बांकी दासे मोर मुकुट धारण किए, एक कुंडल गले में वैजंती माला पीताम्बरी आच्छादित है, सुंदर अधर पर वेणु धारण करके बांकी दासे चलते हुए श्याम सुंदर जैसे सन्मुख आए उस शिकारी के, ठाकुर जी के रूप माधुरी को देख करके एक एक अंग को जब उसने देखा तो उसको याद आया गुरु जी ने जो बताया था ये तो बिल्कुल वैसा ही है, मोर मुकुट पहने हैं, गले में वैजंती माला है, वेणु बजा रहा है, तिरछी चाल चल रहा है, पीतंबरी पहनी है, गले कान में एक कुंडल है। तुरंत अपना जाला उठाया जिससे हिरण को पकड़ता था, ठाकुर जी आगे आगे चल रहे, वो पीछे पीछे चल रहा है। और जैसे ही मौका पाया महाराज जाला फेंक करके ठाकुर जी को उसने बंदी बनाया और बांध करके जाला कंधे पर टांगा ले गया गुरु जी के पास। गुरु जी जल्दी बाहर आओ, आपका बताया हुआ हिरण पकड़ के लाया हूं मैं। महाराज जी बोले ये और पता नहीं, अब पता नहीं कहां से कौन सा हिरण ले आया है। जैसे ही निकल करके गुफा से बाहर आए तो क्या देखा, शिकारी के कंधे के ऊपर बंसी बजा रहे ठाकुर जी बैठे हुए हैं। जैसे ये दृश्य देखा महाराज, देखते ही महाराज जी तो मूर्छित होकर गिर गए, होश में आए, जलवल डाला उसने शिकारी ने, बोले गुरुजी होश में आओ, गुरुजी होश में आए, बोले भैया कहां, गुरुजी हिरण लेके आऊं, बताओ कहां लगाऊं चूला वूला, इसको पकाएं बढ़िया। गुरुजी बोले भले आदमी इनको छोड़ जल्दी। बोले गुरुजी भाग जाएगा, ये बहुत मुश्किल से मिला मुझे, 5 दिन लगे इसको पकड़ने में। तब गुरुदेव ने आज्ञा की, ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, ऐसी गुरु की कृपा हुई कि एक शिकारी के हृदय पर शिकार की भावना से ठाकुर जी को ढूंढने गया और ठाकुर जी उसके वश में आ गए। तो हे नाथ, आपके नाम में इतनी सामर्थ है, आपकी लीला गुण में इतनी सामर्थ है कि एक स्वपच प्रजाति का व्यक्ति भी आपकी प्राप्ति कर पाएगा। इसलिए मुझे यही समझ आया कि सबसे श्रेष्ठ संसार में अगर कुछ है तो वो आपका नाम है भगवान।